हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी एक स्नैक्स की रेसिपी, जो कि शायद ही आपने कभी खाया होगा। आपने तो पकोड़े खाए होंगे हर तरीके के, जैसे कि बैंगन के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, आलू और प्याज के पकोड़े, ये सभी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है पालक के पत्तों से पकोड़े। मैंने यहाँ पे 20 पत्ते ले लिए हैं और 20 पत्तों को मैंने इस तरीके से, जो इसकी टहनियाँ है ना, थोड़ी सी लंबी रखी, जिससे कि हम इसे बेसन में जब डिप करेंगे तो हमें पकड़ने में आसानी हो और फ्राई करते समय भी डालने में आसानी हो। तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और साफ़ पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम बनाएंगे बेसन का बैटर। सबसे पहले ले लेंगे 1 कप बेसन, डालेंगे उसमें कुछ मसाले, डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच डालेंगे कलौंजी। कलौंजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलौंजी की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है तो आप ज़रूर डालिएगा। और 1/2 चम्मच अजवाइन। सभी को डाल के हम मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। एक बार ही हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ना ज़्यादा हमें पतला बैटर बनाना है ना ही ज़्यादा मोटा। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको स्नैक्स खाना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स की रेसिपी मिल जाएगी। मीडियम घोल बैटर बना के तैयार कर लूँगी और देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये बैटर बन के तैयार होगा, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा, इस तरीके से ड्रिप होना चाहिए। अब हम ले लेंगे पत्ते को और इस तरीके से दोनों तरफ से डिप करेंगे। हो सके तो आप पत्ते ना सारे बिल्कुल अच्छे से देखे के लीजिएगा, कोई कहीं से टूटे ना हो, जिससे कि खाने में भी अच्छा लगे हमें। और इस तरीके से डिप कर लेने के बाद हम इस थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा हमारा जो बेसन का बैटर है वो निकल जाए और इसे हम डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, हम इसमें एक एक करके पकौड़े तलते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम पर रहेगा। एक बारी में हमारा जितना आएगा हम उतना ही डाल के फ्राई करेंगे। जितना आपके पैन का साइज़ होगा और जितना आपका पत्ते का साइज़ होगा, उस अकॉर्डिंग हम 2 से 3 डालेंगे और एक तरफ फ्राई हो जाने के बाद हम दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी ये वाला पकोड़े बना के ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पर ज़रूर ये वाला ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं अभी से कितनी अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनके ये तैयार होता है। ये देखने में कितना ज़्यादा अभी से ही सुंदर लग रहा है और आप अगर बना के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में भी। दूसरी ओर भी पलट के हम फ्राई कर लेंगे और देखिए पलट पलट के फ्राई करने में हमारा बनके तैयार हो गया ये बहुत ही टेस्टी और सुंदर देखने में पकौड़ा। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से नॉर्मल अपने घर में पकोड़े बनाते हैं, बस इसकी जगह पालक के पत्ते बना के तैयार कर लीजिएगा। और निकाल लेंगे इसे एक प्लेट में और इसी तरीके से मैं बाकी भी बना के तैयार कर लूँगी। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। बिल्कुल सावधानी से करेंगे हम। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक बड़ी चम्मच की मदद से हम पलट लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से और देखिए बनके तैयार हो गया हमारा ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा। आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और आप इसे इस तरीके से तोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्रंच आएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।